नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सुबह का नाश्ता ना करने से या सुबह का नाश्ता छोड़ देने से आपके स्वास्थ्य के लिए क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, आप सभी ने ये सुना होगा कि नाश्ता पूरे दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन होता है, लेकिन आप में से कितने लोग नाश्ता करते हैं? शुद्ध कैलोरी का सेवन करने और पतले होने के हमारे प्रयास में हम नाश्ता करना छोड़ देते हैं, पर क्या आपको पता है कि नाश्ता नहीं करने के कितने हानिकारक परिणाम हैं? तो चलिए जानते हैं कि नाश्ता छोड़ना क्यों बुरा है और इससे हम कैसे प्रभावित होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये है कि ब्रेकफास्ट को छोड़ने से आपका वजन बढ़ सकता है। यदि आप वजन घटाने के लिए नाश्ता नहीं करते हैं तो नाश्ता नहीं करने के नकारात्मक प्रभावों पर किए गए स्टडी के अनुसार जो लोग सुबह नाश्ता करते हैं उनमें वजन कम होने की संभावना अधिक होती है। और इसका कारण यह है कि जब आप नाश्ता नहीं करते हैं तो आपकी भूख दिन में काफ़ी तीव्र हो जाती है और उस समय आपके सामने जो भी कुछ होता है सब खा जाते हैं। कई बार तो जितनी कैलोरी की हमें ज़रूरत होती है हम उससे भी ज़्यादा खा लेते हैं। दूसरा है दोस्तों, सुबह खाना नहीं खाने से ऊर्जा और मूड पर भी असर होता है। 1999 में किसी फिजियोलॉजिकल बिहेवियर नामक एक पत्रिका में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार नाश्ता नहीं करने से ऊर्जा और मूड पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नाश्ता नहीं करने से शरीर में ऊर्जा का स्तर कम हो सकता है और आपकी मेमोरी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उसके बाद दोस्तों, सुबह का भोजन नहीं करने का नुकसान जो है वो कैंसर के लिए भी होता है। कैंसर अनुसंधान यूके द्वारा आयोजित किए गए अनुसंधान के मुताबिक यह पाया गया है कि जो व्यक्ति अधिक मोटा होता है उसमें कैंसर के विकास का खतरा बढ़ जाता है। नाश्ता नहीं करने से आप दिन का भोजन अधिक मात्रा में करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप में मोटापा बढ़ने की संभावना अधिक होती है। उसके बाद दोस्तों, सुबह नहीं खाने से जो है संज्ञानात्मक कार्यशीलता के लिए नुकसान हो सकता है, यानी कि कॉग्निटिव फंक्शनिंग के लिए नुकसान हो सकता है, उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। 12 और 15 वर्ष की आयु के किशोरों के एक समूह पर स्टडी से पता चला कि अपने दैनिक आहार में नाश्ता को शामिल करने से आपकी जो संज्ञानात्मक कार्यशीलता यानी कि कॉग्निटिव फंक्शनिंग जो है वो बेहतर बनती है। इसके बाद दोस्तों, सुबह नाश्ता ना करने से आपको सिरदर्द की समस्या भी हो सकती है। भोजन छोड़ने से शर्करा के स्तर में कमी होती है, जिसके कारण ऐसे हॉर्मोन्स निकलते हैं जो कि ग्लूकोज के कम स्तर की क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। दूसरी ओर इससे ब्लड प्रेशर का स्तर बढ़ता है और सिर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्याएं होती है। यदि आप सिर दर्द जैसी समस्या से दूर रहना चाहते हैं तो प्रतिदिन नाश्ते का सेवन जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, सुबह का खाना न खाने से बालों को भी नुकसान हो सकता है, हेयर लॉस हो सकता है। जब भोजन में प्रोटीन की मात्रा कम होती है तो कैरोटीन का स्तर प्रभावित हो सकता है और जिसके कारण बालों के विकास में कमी हो जाती है और बाल झड़ने लगते हैं। नाश्ता जो है वो दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन होता है और यह बालों के रोम को स्वस्थ रखने में मदद करता है। साथ ही साथ दोस्तों, सुबह नाश्ता ना करने से जो है मेटाबॉलिज्म का जो स्तर है वो कम हो सकता है। यदि आप नाश्ता नहीं करते हैं तो आपकी मेटाबॉलिज्म का स्तर कम होता है। नाश्ते के महत्व पर किए गए विभिन्न स्टडी के अनुसार जो लोग नाश्ता नहीं करते उनकी तुलना में नाश्ता करने वाले लोगों का जो मेटाबॉलिज्म स्तर होता है वो अधिक होता है। उसके बाद दोस्तों, सुबह नाश्ता ना करने से हैंगओवर के लिए भी नुकसान हो सकता है। यदि आपने पिछली रात में अधिक शराब पी थी तो अपने हैंगओवर को समाप्त करने के लिए पौष्टिक नाश्ते का सेवन करें। आयरन, फोलेट और अन्य खनिजों और विटामिनों में समृद्ध स्वस्थ नाश्ता आपके शरीर के खोए हुए पोषक तत्वों की भरपाई करने में मदद करेगी और आपकी ऊर्जा के स्तर को भी बढ़ाएगी। उसके बाद दोस्तों, सुबह का ब्रेकफास्ट छोड़ने के नुकसान हार्ट के लिए भी होते हैं। दोस्तों, जामा यानी कि JAMA में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक जो लोग नाश्ते को छोड़ते हैं उन लोगों को नाश्ता करने वालों की तुलना में 27% अधिक दिल का दौरा पड़ता है। जो लोग नाश्ता नहीं करते उन लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ जाती है और साथ ही स्ट्रोक सहित हार्ट तथा रक्तवाहिकाओं संबंधी रोग में वृद्धि हो जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, इसका जो नुकसान है वो डायबिटीज़ के लिए भी हो सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के एक स्टडी किया गया जिसमें कि लगभग 6 साल तक किए गए अनुसंधान में 46,289 महिलाओं ने भाग लिया और स्टडी के परिणाम अद्भुत थे। परिणाम के मुताबिक जो महिलाएं नाश्ता करती थी उनके मुकाबले जो महिलाएं नहीं नाश्ता करती थी उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा अधिक था। साथ ही जो महिलाएं ऑफिस में काम करती थी और नाश्ता नहीं करती थी उनमें 54% अधिक टाइप 2 मधुमेह का खतरा होता था। तो दोस्तों, ये जो है कुछ नाश्ता ना करने के इस तरह के नुकसान हो सकते हैं। तो आपको सुबह का नाश्ता जरूर करना चाहिए जो कि पौष्टिक भी होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन
सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।